आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा अरब का जायका कराची में, आपको सिर्फ देखने को मिलेगा, खाऊंगा मैं। दरअसल मुझे मिस्टर अरब कैफे वालों ने इनवाइट किया है, दे सेड कि उनको मेरी लास्ट शॉर्मा वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी है, हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं। सो आई डिसाइडेड टू मेक अ व्लॉग देयर विद माय बॉयज, सो लेट्स गो। कराची में आया इस कॉन्सेप्ट को लेके, जो शावरमे का कॉन्सेप्ट है कि ये चारकोल पे, जो पाकिस्तान में पहले नहीं था, कि चारकोल के ऊपर हम ये पूरा शावरमा बना रहे हैं। और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हम लेके आए, ये सऊदी अरब से मैराथन में मेरी पैदाइश, भाइयों की पैदाइश सब सऊदीया में हुई है, तो वहीं से हमने ये लेके आए शावरमा। कि यहाँ पे पाकिस्तान में आते थे जो शावरमा था वो शावरमा नहीं था जो ऑथेंटिक अरबियन टेस्ट हो, तो हम ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हमने ये लॉन्च करा। कि हमने कहा कोई 3 साल हो गए हमें, और ये हमने कहा कोई ऐसी नई चीज़ लेके आए जो पाकिस्तान में नहीं हो। और सऊदीया में लोग, काफ़ी लोग हमारे भी रिश्तेदार आते थे, वो भी सऊदीया में बहुत पसंद करते थे। सऊदीया में भी हमारे एक पार्टनर है, उसके ये शॉप है, उसका भी ये काम करता था, तो बचपन से वो ये काम कर रहा है। फिर वहाँ से हम एक शेफ़ लेके आए जो वहाँ पर काम करता था, 14 साल उसने वहाँ पर काम करा। बेसिकली वो भी पाकिस्तानी है, लेकिन वो भी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आया हमारे साथ ही, और हमने आके यहाँ पे स्टार्ट करा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। चारकोल पे अभी तक तो मैंने किसी को नहीं देखा, और ना ही, और जो बेसिकली रोटी भी यूज़ कर रहे हैं हम, इसमें टॉर्टिला रोटी यूज़ कर रहे हैं। आम जो कराची में शावरमे मिलते हैं वो पीटा ब्रेड होती है, मोटी रोटी, ये चपाती टाइप हमारी रोटी होती है। और पहले हम इसको शावरमा जो चारकोल से चिकन कटती है, उसके बाद इसमें रोटी पर रखी जाती है, चिकन रखती है, फ्राइज़ होते हैं जो कि आमतौर पर कराची में फ्राइज भी नहीं होते, फ्राइज इसी में डलते हैं। सॉसेज होती है हमारी ऑथेंटिक अरबियन सॉसेज हैं, जिसमें एक जो गार्लिक सॉस है, तहीना सॉस है जो हमारी स्पेशलिटी है, मायो सॉस है, ये तीनों डलती हैं। और उसके उसको हॉट प्लेट पे रख के वार्म करा जाता है, और उसके बाद सर्व करा जाता है। भाई साहब क्या हुआ, कुकिंग स्टार्ट कर दी क्या? जी मुझे लग रहा है देख देख के तुझे बनाने भी आ जाएगी। हाँ देखते हैं, काम ही आइएगा बनाने वाले। क्यों, शादी के नाते नहीं है? सीन चेक कर रहे हैं बस आपके, मेरे पीछे जो बन रहा है ना, सारे पैसे इसी चीज़ के। अच्छा यार, हम लोगों को अभी इधर आए हुए जो है तकरीबन आधा घंटा हुआ है, अभी हमने ओनर से बात की है रेस्टोरेंट के बारे में, जो जाना है, जो पीछे खड़े आप नज़र भी आ रहे होंगे, और उनसे पूरी हमने डिटेल ली है क्या है ये लोग, किस तरह अरब से यहाँ तक आए। और यहाँ पर यार ये बड़ी कोई ज़बरदस्त इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, सिक्योरिटी का निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है, गार्ड है, ये एक गार्ड खड़ा हुआ है ऑलरेडी है। सिक्योरिटी के आज के सारे पैसे आपको पता है, बड़े मामला बिगड़ रहे हैं सिक्योरिटी के ऊपर जो है। तो भाई हमारा ऑर्डर तैयार हो गया है, 3 चीज़ें हमने ऑर्डर की हैं, एक एक करके इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या खसूसियात हैं और इनमें वो अलग चीज़ें क्या हैं जो बाकियों में हमें नहीं मिलेंगी और जो बाकी जो दूसरे रेस्टोरेंट्स हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये जो हैं ये दोनों अलग अलग हैं? बिल्कुल डिफरेंट है, ये जो है ये हमारा शाहरुख है, शावरमा शाहरुख, जिसमें फ्राइज बनता है और चिकन होता है और सॉस ऐड होते हैं। ये हमारा शाहरुख जो है ना ल्यूडेड है, जिसमें चीज़ ऐड होता है, जलापिनोज और ब्लैक ऑलिव्स और सब्जी ऐड होती है और चीज़। अच्छा, अब मुझे बताएं ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है देखने में, ये भी बहुत, ये शावरमा अरबी है जो 12 इंच की रोटी है, सबसे बड़ी है। अच्छा, ये रोटी थोड़ी डिफरेंट है? नहीं, वही रोटी है लेकिन इंच में बड़ी है। अच्छा सही, इसमें चिकन भी ज़्यादा पड़ता है इसमें तकरीबन, और 6 पीसेस होते हैं और फ्राइज अलग मिलते हैं, सॉसेस भी अलग और पिकल्स भी अलग। अच्छा, ये वाला जो सॉस है ये क्या चीज़ है, मुझे थोड़ी बहुत अलग डिफरेंट ही लग रही है बिल्कुल। ये टॉम सॉस है अरबिक। अच्छा, टोटल अरबिक है। हाँ, गार्लिक जो इसको बोल रहे हैं वो टॉम सॉस है। अच्छा यार, मैं मुझे जो है ना ये इसके बारे में बताओ, ये बहुत कोई खूबसूरत लग रहा है देखने में, और ये दोनों साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं, ये प्लेटर है हमारा, उसके साथ पीटा ब्रेड है, उसके साथ जो भी आता है जलापिनो आता है इसके साथ, और ब्लैक ऑलिव आता है,
और पिकल्स अरबी आ रहा है, और उसके साथ अरबिक सॉस जो हमारी है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अब बताते हैं हम खाने के बाद कि कैसा लगता है। आज स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, देख लिया। अब एक बार खा के भी ट्राई करें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कराची में मैंने अभी तक ऐसा टेस्ट नहीं देखा। मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूँगा आपको कि एक बार लाजमी ट्राई करें। रुको, ये बताएं कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा।